डोंगरगढ़ के कटली ग्राम में स्थित शराब दुकान के बाहर शराबबंदी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया और सभी ने सरकार द्वारा किए गए पूर्ण शराबबंदी को पूरा करने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम कटली में स्थित शराब दुकान के बाहर भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के बैनर तले शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सभी ने सरकार को पूर्ण शराबबंदी के किए गए वादे को याद दिलाया। आज पूरा प्रदेश में हर जिला में हर मंडल के द्वारा आज हमार महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पूरा शराब भट्टी बंद करे के आह्वान करे गए है। और एमे भूपेश बघेल हर जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार में आई से तो वो महिला मन से घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर ये कसम खा रही से कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूँ तो सबसे पहली मैं हर पूरा प्रदेश में पूर्णता शराब बंद करूँ। लेकिन आज तक 3.5 साल पौने 4 साल होकर कार्यकाल होत बैठ जात है, लेकिन वो हर ना तो शराब बंद करे है और ना ही शराब के वजह से जो आज महिला मन के ऊपर में दुराचार अनाचार बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे हर दिन महिलाओं मन के साथ में जो प्रताड़ना और ये सब दुष्कर्म होते ओकर खिलाफ भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगत है। हमन लगातार प्रदेश के आह्वान पे महिला मोर्चा हर और ओला जगाए के प्रयास करे करत हन। महिला मोर्चा के द्वारा जो प्रदर्शन की गई जिसमें शराब दुकान बंद कराने के लिए मांग की गई थी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के महिला और पुरुष दोनों कार्यकर्ता बहुत आय संख्या में आए थे। लोग शासन विपक्ष में और दुकान को बंद कराने के लिए मांग किया गया, ताला लगाने के लिए भी तैयार थे। हमारे प्रशासन के द्वारा चुस्त व्यवस्था किया गया, पुलिस व्यवस्था प्रशासन लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटा है।